जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। समय के साथ यहां का तापमान गिरता गया, जिससे पृथ्वी की कई संकेंद्रित परतें क्रस्ट, मेंटल और कोर बनने लगी। मेंटल की ऊपरी सतह एस्थेनोस्फीयर मोटी और चिपचिपी थी। इसके ऊपर लिथोस्फीयर, जो एक भूखंड था, तैरता था, जिससे आगे चलकर महाद्वीप बने। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती डुलती रहती हैं, कभी आपस में टकराती हैं तो कभी दूर हो जाती हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और नए महाद्वीप बने। समय के साथ ग्लेशियरों के बीच होने वाली गतिविधियों से पृथ्वी का तापमान और जलवायु जीने लायक बन गए, जिससे यहां जीवन की शुरुआती परिस्थितियां बनने लगी। वैज्ञानिकों ने 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनियन युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा, जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, बाल्टिका और साइबेरिया बने। कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराई, पेंजिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ
पेंजिया के और टुकड़े होते गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। जिंदगी भी यहां आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर उनके अनुरूप ढलती रही। कुछ प्रजातियों ने खुद को इसके अनुकूल बनाया, कुछ विकसित हुई और कुछ नष्ट हो गई। बदलावों का यह सिलसिला आज तक जारी है।